जय हिंद शिक्षक साथियों और शिक्षक अभ्यर्थियों, लगातार नियमावली के आने के बाद से जो भी अपडेट होता है शिक्षक से संबंधित, शिक्षक अभ्यर्थी से संबंधित, सारा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सपोर्ट है ये काफी बेहतर मिल रहा है। अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हाल ही में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है, शिक्षकों को देनी ही होगी परीक्षा। देखिए, स्पष्ट, देनी ही होगी परीक्षा, भ्रम में ना रहे। इस तरह से आखिर इनका जो है मनोबल बढ़ कैसे रहा है, मनोबल क्यों बढ़ रहा है? साथियों, अगर शिक्षक समुदाय, शिक्षक समाज, शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होकर के किसी कार्य को नहीं करेगा तो सफलता मिल ही नहीं सकता है। आप देखते होंगे कि अभी जो वर्तमान में जितने भी शिक्षक समुदाय है, वो पहले तो दो धारा, हमने कहा था कि दो धाराओं में बटा हुआ है, लेकिन अब कई धाराओं में बटे हुए हैं। कुछ लोग जनगणना का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग जनगणना का बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ लोग परीक्षा देने का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग परीक्षा नहीं देने का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों का क्या राय है, निश्चित रूप से हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? साथियों, जब तक एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आप अपने मंसूबों पर जो है बिल्कुल समझ लीजिए कि अपने मनोनुकूल जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा, पीछे जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि सरकार चाह रही है परीक्षा लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके लिए क्या कराना होगा। अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यदि आंदोलन कर रहे हैं, तो किन किन बिंदुओं की मांग करनी चाहिए, ये बातें हमने बताया था कि निगेटिव ना हो, हमने ये बताया था सिलेबस जो है वो छोटा सिलेबस हो, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड सिलेबस हो, 1-8 से ज्यादा का सिलेबस नहीं हो, इन सब चीजों पर हमने आपको फोकस कराया था, ठीक है? तो और उसके बाद वेतनमान की स्पष्टता होनी चाहिए, और ये सब जब क्लियर हो जाता है तो परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक बात है, चूंकि ये नियमावली बन चुकी है और कैबिनेट से पास हो चुका, कैबिनेट से पास होने के बाद भी गजट में भी आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ संशोधन तो करवा सकते हैं, वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन करवाने का पूरा प्रयास कीजिए। यहां देखिए, शिक्षा मंत्री जी जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षकों को परीक्षा देनी ही होगी, इसको लेकर के उस भ्रम में ना रहे। यानी स्पष्ट बात है कि पूरी जो टीम है, पूरी जो तैयारी है वो इस तरह से हो चुकी है कि परीक्षा देनी ही होगी। आप लोग को जो नीचे नंबर चल रहा है, नंबर से आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए Success92 का, वहां पर सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। परीक्षा की तैयारी से संबंधित आज शाम में आप लोगों के लिए हिस्ट्री का लाइव क्लास दिया जा रहा है, शाम में एकदम 7 बजे से आपको लाइव क्लास होगा, निश्चित रूप से जुड़ा कीजिए, उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। अपनी तैयारी को भी रोकना नहीं है, चूंकि पूरी तैयारी है कि एग्जाम के द्वारा ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है? तो प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आप यदि परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप जो है शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। आगे उन्होंने किसी ये मेले में उद्घाटन में इन्होंने कहा, सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन का जो है पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बनने के लिए जिस तरह से नेट की डिग्री जरूरी होती है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा देनी होगी। इसमें पास होने के बाद ही वे शिक्षक कहलाने के योग्य होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी अब देखिए, आगे इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, शिक्षकों से उनके विषय से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी पर हम लोगों को काम भी कराना चाहिए। जो बीपीएससी नोटिफिकेशन अगर डालती है तो सिलेबस जो है वो 1-8 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद जो है सिलेबस जब आसान हो जाएगा, निगेटिव नहीं रहेगा, तो आप जो है परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि 40% से कम रहना चाहिए जो पासिंग मार्क्स है, वो 40% से कम रहना चाहिए। आप आसानी से, आप शिक्षक हैं, आप निश्चित रूप से आप योग्य हैं और आप लंबे समय से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो इन चीजों का निश्चित रूप से आपका अभ्यास होगा और इतना कर ही सकते हैं। आगे देखिए, अगर वे अपने विषय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कैसे शिक्षक का बनने का सपना देखते हैं? ये बनने की बात हो रही है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों से रिलेटेड बातें हो गई, शिक्षक अभ्यर्थी से। तो शिक्षक अभ्यर्थी के लिए भी मान लीजिए, चूंकि जो नियमावली कह रही है आप लोग लगातार प्रयासरत हैं, अगर संशोधन कुछ हो जाए तो बेटर बातें हैं, अगर नहीं होता है तो आप लोग भी तैयारी में निश्चित रूप से जुड़ जाइए, तैयारी भी करते रहिए। चूंकि आप यूपी में देख रहे हैं सुपर टेट के माध्यम से ही बहाली होती है और जो कैबिनेट से पास हो जाता है, जो नियम बन जाता है, तो नियम को बदलना इतना आसान नहीं होता है। देखिए आगे कहता है, शिक्षा नीति का पालन करना ही होगा, यह बदलाव शिक्षकों के हक के लिए ही किया गया है। बिल्कुल ये सही बात है, राज्यकर्मी की दर्जा के लिए, जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से संघर्षरत थे, पिछले 20 वर्षों से आप नियोजित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए प्रयासरत थे, परेशान थे, लेकिन आज अगर एक तरह से दरवाजा खुल रहा है तो इसे हम लोगों का स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन आपके अनुसार थोड़ा सा उसमें जो बदलाव है वो पूरी तरीके से बीपीएससी के हिसाब से नहीं, कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए और समन्वय के बाद जो है कार्य होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आगे ये
कई बात और भी इन्होंने कही है, लेकिन मुख्य बात यही है आपको सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, आपको निगेटिव पर फोकस करना चाहिए, आपको वेतनमान पर फोकस करना चाहिए। इन सब दो तीन बिंदुओं पर यदि आप फोकस कर लेते हैं तो निश्चित ही हम कहते हैं कि बिहार के ऐसे ऊर्जावान शिक्षक हैं, इतने अधिक ऊर्जावान शिक्षक सब हैं जो आसानी से जो है इस बीपीएससी एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक जो है जो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज शाम 7 बजे से लाइव क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।